देखो बेटा, पिछले वीडियो मैंने आपको नोटबुक सेंड कर दिया था बेटा, और मैंने ये भी कहा था कि आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम आपको उसको पढ़ा देंगे। तो बेटा, आज मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, फॉर्मेशन बाई इमेज या ईमेल बेटा, आपका ईमेल और बाई लेस द्वारा प्रतिबिंब का बना। तो इसमें पहले हम आपको बताएंगे, पहला उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें फॉर्मेशन पाए, फॉर्मेशन बाय इमेज, इमेज कॉन्केवनेस, कॉन्वेक्सनेस, कॉन्वेक्सनेस। तो इसमें पहला हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जब वस्तु अनंत परिस्थिति, जब वस्तु अनंत पर स्थित, ये पहला जो है आपका बेटा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब की बात में आपको बेटा बता रहा हूं, ध्यान से समझिए बेटा। जैसे मान लो मैंने ये उत्तल लेंस को बनाया, ये बनाया और ये प्रकाशन केंद्र है बेटा आपका, ऑप्टिकल सेंटर है, और हमने बेटा अनंत पर कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया, मान लो ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर बेटा रख दिया। तो बेटा आप जानते हो कि यदि कोई प्रकाश की जो किरण है वो कट के समांतर होकर जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण वो कट के समांतर होकर जाती है बेटा, तो ये आपका अपवर्तन के पश्चात जो है, आपका अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चल जाती है, फोकस से होकर चल जाती है। और दूसरी किरण जो है आपका लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर जा रही है, लेंस के प्रकाशित केंद्र से जो दूसरी किरण है वह बेटा आपका लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर जा रही है, एकदम समांतर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए इस तरह से। तो अपवर्तन के पश्चात सीधा चली जाती है बिना बीच में। तो यहां पर बेटा जो आपको दिखाई दे रहा है जो क्यों ना, तो ये दोनों पैरेलल है, तो यहां पर आपका यही बन रहा है बेटा, आपका इमेज ए वन बन रहा है या बी वन बन रहा है, ठीक ना। और यहां पर ये बनेगा तुम्हारे काम बनेगा एप्पल बनेगा, ठीक है। तो मैंने जैसे वास्तु से चलने वाले प्रकाश किरणें हैं परस्पर आपका क्या है समांतर, ठीक है। इसको आप इस तरह से फिगर ड्रा कर सकते हैं बेटा, मान लो ये फिगर आपका है, इसको फिगर हम इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, ये वस्तु में जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात ये तैयार हो गया, ये भी ड्रा कर सकते हैं मान लो। तो आपको जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो बेटा उसका जो इमेज होता है वह एप्पल ही बन गया, जैसे
भ्रष्टाचार से कोई दूर गया, ईमेल काम सब पति की काम, तो आपका फोकस सही लगेगा और वास्तु से छोटा होगा, आपको डर लग रहा है देखने में क्या लगा छोटा ही लग रहा है एवं और ये वास्तविक होगा और उभरा होगा। तो इसका डिस्क्राइब हम कर सकते कि माना एक ही वस्तु है जो अनंत स्थित है, पहली प्रकार की किरण मुक्त के समांतर होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात जो तुम्हारा बचा है, अपवर्तन के पश्चात ये जो अपवर्तन के पश्चात था जो है फोकस होकर आपका चल जाता है, इससे होकर चल जाएगा फोकस होकर आपका चला जाता है और यहाँ पर बेटा आपका फोकस होकर आपका चल जाता है। तो ये बेटा आपका तो दोनों जो प्रकाश किरणें हैं तो बेटा ये जो दोनों प्रकाश की किरणें आपका है जैसे ये यापू हो गया बेटा, ये क्या हो गया यापू हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा बेटा मिस्टेक है यहाँ पर, जब वास्तु अनंत जब वास्तु थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया तो एक बेटा आपका जो फिगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ये अब देखो बेटा ये मैंने वास्तु को रख दिया था यहाँ ए और बी को मैंने रख दिया ठीक वास्तु को मैंने रख दिया तो यहाँ पर बेटा आपका तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण जाएगी जैसे कि एक आपका बेटा इस तरह जाएगा और एक आपका बेटा फोकस होकर जाएगा फोकस ऐसे तो यहां से आपका वो इस तरह का तरह ये है बेटा तो ये आपका वो है इसके पहले तो बताया कि बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ठीक है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बेटा तो फिगर बनाने में थोड़ा सा गलती हो गया था इसलिए उसका डिस्क्राइब थोड़ा सा गलत हो गया। अब ये राइट आपका फिगर बेटा आपका है ये जो मैं बना रहा हूँ था तैयार टाइप पर बना दिया अपन। अब देखो यदि हम कहें इस वास्तु का जो इमेज है कहाँ बना तो बेटा ऐप पर ही बना है कहाँ बना है ऐप पर बना है ऐप पर बना है जो A1 और B1 है वह बेटा आपका वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा बेटा और छोटा क्या बनेगा छोटा ठीक है वास्तविक होगा उल्टा होगा और क्या बनेगा छोटा होगा ठीक कब जब वस्तु आपका अनंत पर स्थित होता है तब की मैं बात कर रहा हूं तो इसका जो डिस्क्राइब होता है बेटा कि माना ये भी एक वस्तु है जो इनसे चलने जो अनंत पर स्थित है इनसे चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है परस्पर समांतर होती है तो पहले प्रकाश की किरण जो है लेंस के प्रकाशित लेंस होकर अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है दूसरी किरण F1 से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात आप देख रहे हैं मुखर के समांतर हो जा रहा है तो दोनों अपवर्तित किरणें हैं कहीं A1 पर पड़ती है तो A1 और B1 जो है यह मुखर पर डाला गया क्रम है ये प्रिंसिपल एक्सिस है A1 B1 जो है वह मुखर पर डाला गया क्रम है तो ये भी का ही डिस्क्राइब
इससे पहले जो बेटा हमने बनाया था डायलॉग गलत है इसलिए सॉरी, फिर उड़ा ये आपका राइट है। अब दूसरा जो आपका बेटा है, जब वास्तु बेटा आपका, जब वास्तु आपका बेटा ड्राइव आनंद का फोकस की दूरी की दो दूरी, दूसरा बेटा जो गाना है ध्यान से समझिए बेटा, दूसरा कह रहा है इसमें ए बी, जब वास्तु बेटा अनंत तथा फोकस, जब वास्तु अनंत तथा फोकस फोकस दूरी की दो गुने के बीच में स्थित हो, के बीच में स्थित हो। बेटा देखो डायग्राम कैसे बनाया जा रहा है, उसको आप अच्छी तरह बेटा देखो, ठीक ना। तो यहां पर ध्यान से समझिए बेटा, पहले हम क्या करेंगे, एक लेंस बनाएंगे, ये लेंस आपका हो गया, ये लेंस जो है आपका कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस बेटा है, और एक लेंसुलर एक्सिस है, मुखाक्ष है और एक प्रकाशी केंद्र है। तो बेटा यह अनंत हो गया, हम लोग किया यह अपवर्ण हो गया बेटा, यह अपवर्ण हो गया, यह टू अपवर्ण, तो अनंत इधर होगा या टू अपवर्ण के बीच में मान लो हमने यही वस्तु ऑब्जेक्ट को मैंने कर दिया ए और बी केवल। तो बेटा यदि कोई प्रकाश किरण जो है मुखर के समांतर होकर जाती है तो वह बेटा F2 से होकर चली जाती, किससे होकर चली जाती है F2 से, मतलब फोकस से। जब प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है, प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित के सीधे चले जाते, बिना विचलित के सीधे। तो ये तुम्हारा बेटा A1 हो गया, ये B1 हो गया बेटा। तो ये जो तुम्हारा जो बनेगा, जो हमारा ये जो बन रहा है बेटा, ठीक ना। तो बेटा ये F2 के बीच, यहाँ पर F2 के बीच में, तो यहां पर देखिए, अब मैंने इसके अनुसार वास्तु को रख दिया। जैसे बेटा मैंने ध्यान दिया, माना ए बी एक वस्तु है जो अनंत और अपवर्ण के बीच में रखा है, और पहली प्रकाश की किरण आप देख रहे हैं मुखर के समांतर कहीं जा रही है, तो अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर चली जाती है, दूसरी किरण प्रकाशी केंद्र से होते हुए बिना विचलित सीधी चली जाती है, ये सीधी जा रही है। इस प्रकार दोनों अपवर्तन के पश्चात सीधी चली जाती है बिना विचलित हुए, इस प्रकार दोनों अपवर्तित किरणें एक किया और तो एक ही बिंदु A1 पर काटिया बिंदु है, A1 जो B1 है या प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कहने का मतलब है कि मुख अक्ष पर यह लंब डाल दिया है जो AB का समकोण, AB का क्या है समकोण प्रतिबिंब है, यह प्रतिबिंब है F2 और 2F2 के बीच में वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तु से आपका बेटा छोटा होगा, वास्तु से क्या बनेगा छोटा होगा। तो इस प्रकार बेटा आपने देखा, इस प्रकार आपने बेटा देखा कि हमारा जो यहां पर जब वास्तु को अनंत तथा 2F1 के बीच में रखा जाता है, उसका जो इमेज है वह F2 और 2F2 के बीच में रखा जाता है,
कैसा पढ़ रहा है, वास्तविक पढ़ रहा है,
उल्टा बन रहा है और वास्तु से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, ये ना वास्तु से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो इस जो भी डायग्राम आपको बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको रफ पर आप स्वयं कीजिएगा बेटा। जब आप इसको करेंगे तो आपको कुछ न कुछ जरूर उसमें निष्कर्ष निकलेगा। हाँ, डायग्राम को आप बेटा जैसा आपका कर रहा है वास्तु का जो पोजीशन किस तरह कर रहा है बेटा रखने का, आप उसी तरह जैसे पहला मैंने आपको बताया जब वास्तु आरंभ करो तब का कंडीशन मैंने बता दिया। अब जब वास्तु आपका अनंत और व्यापार के बीच में रहे होकर दूर के दो दो गुणे के बीच में स्थित हो बेटा। नेक्स्ट जो आपका है जब वास्तु बेटा टू या वन पर स्थित हो तब का कंडीशन है। जब वास्तु कहां हो टू या वन पर स्थित हो क्यों बेटा। और उसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट जो है जो नेक्स्ट बेटा आपका है जब वास्तु को या तथा टू या वन के बीच में रहे, आप देखिए या तथा टू या वन मतलब या वन और टू या वन के बीच में रहे मतलब कड़ी को नहीं, जो डी वाला जो क्वेश्चन है बेटा जब वास्तु को यापवन तथा कुयापवन के बीच में रखते हैं, बीच में रखा जाए, ये रखा जाए। अब बेटा ऐसा थोड़ा सा डायग्राम आप देख लीजिए, आप अपने से डिस्क्राइब कर देंगे, ध्यान रखिए बेटा। देखो ये बेटा आपका हुआ व्यास, तो पहले अपवन आता है फिर दूसरा कोई अपवन आता है, यही वास्तु मैंने रख दिया। अब इसको ड्रा करो बेटा, ये गया मुकट के समान का, तो ये तुम्हारा हो गया बेटा, तो ये F2 से होकर चला गया बेटा, F2 से होकर चला गया। और जब अब इधर देखिए जब प्रकाश के से होकर तो ये तो ध्यान से समझ बेटा, तो बड़ा ही कर रहा है बेटा, तो ए वन तो यहाँ पर आप जो चीज देख रहे हैं यहाँ पर जैसे जो कहा है आपका उसी के अनुसार आपका फिगर बन गया, ठीक है ना। तो आप इमेज साफ करके से दूर बना है वास्तव में दूर रहेगा और उल्टा रहेगा, बस ये रहेगा वास्तव से बड़ा, ठीक है ना। नोट्स कर लेना इसको, अब अच्छे से रखना।